हेलो फ्रेंड्स, दिस इज मिगार्गी और आप देख रहे हैं श्रेष्ठ भारत। बिग बॉस ओटीटी सीजन 2 के विनर एल्विश यादव पिछले काफी समय से विवादों में छाए हुए हैं, जिसको देखने के बाद लग रहा है कि ये वही है क्या जो बिग बॉस में इतने शांत सुशील से थे। जहां एल्विश पार्टियों में सांप के जहर की तस्करी मामले के कारण निशाने पर चल रहे हैं, वहीं अब वो एक नए विवाद में फंस गए हैं। गुरुग्राम के रहने वाले यूट्यूबर सागर ठाकुर उर्फ मैक्स टर्न ने एल्विश यादव पर उन्हें बुरी तरह पीटने और जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाया था। अब मैक्स टर्न ने सबूत के तौर पर एल्विश यादव से लड़ाई का सीसीटीवी फुटेज भी शेयर किया है। वीडियो में नजर आ रहा है कि एल्विश यादव अपने साथ 8-10 लोगों को लेकर मैक्स टर्न के पास पहुंचते हैं और बुरी तरह उन्हें पीटते हैं। मैक्स टर्न को चोटें भी आई जो उन्होंने वीडियो में दिखाई। वीडियो देखने के बाद से यूजर्स एल्विश यादव को सोशल मीडिया साइट एक्स पर बुरी तरह ट्रोल कर रहे हैं और उनके खिलाफ सख्त एक्शन की मांग कर रहे हैं। विवाद तब शुरू हुआ जब एल्विश यादव और मुनव्वर फारूकी एक साथ क्रिकेट के मैदान पर नजर आए। दोनों को साथ देकर सागर ठाकुर ने एल्विश यादव की खिंचाई शुरू कर दी। मैक्स टर्न ने एल्विश यादव का मजाक उड़ाया जिससे वो भड़क गए। यही नहीं, कुछ यूजर्स ने भी एल्विश की आलोचना की कि वो खुद को राम भक्त और सनातनी बताते हैं और मुनव्वर फारूकी के साथ घूम रहे हैं, जिन्होंने हिंदू धर्म का कई बार अपमान किया। वैसे आपको बता दें, वीडियो में वो कहते नजर आए, भाई साहब जान से मारने की धमकी दी गई है, मैं तो अकेला था और एल्विश भाई साथ में बहुत सारे बंदे लाए थे, तो इसका मैं पूरा वीडियो सुबह डालता हूँ, अच्छे से सब देखना क्या हुआ था, हमारे पास भी रिकॉर्डिंग है, मैं तो ठीक हूँ, बस होठ पर चोट आई है। बाद में मैक्स टर्न ने सबूत के तौर पर वीडियो भी शेयर की जिसमें एल्विश यादव मैक्स टर्न को पीटते नजर आ रहे हैं। ये वीडियो देख एल्विश यादव ने मैक्स टर्न को एक्स पर ही रिप्लाई किया था, भाई तू दिल्ली ही रहता है, सोचा याद दिला दूं। इसके बाद मैक्स टर्न ने व्हाट्सएप चैट का स्क्रीनशॉट शेयर किया और बताया कि एल्विश ने उन्हें गुरुग्राम मिलने के लिए बुलाया है। पर अब एल्विश की मुश्किलें बढ़ गई हैं, क्योंकि मारपीट करने और जान से मारने की धमकी देने के मामले में गुरुग्राम के सेक्टर 53 पुलिस स्टेशन में केस दर्ज हुआ है। एल्विश यादव के खिलाफ आईपीसी की धारा 147, 149, 323, 506 के तहत मामला दर्ज हुआ है। वैसे सागर ठाकुर, जिन्होंने एल्विश के खिलाफ केस दर्ज करवाया है, वो यूट्यूब पर काफी पॉपुलर है, उनके 1,66,00,000 सब्सक्राइबर्स है। पर अब देखना यह है कि आगे आगे और क्या होता है। बाकी ऐसे ही लेटेस्ट न्यूज से अपडेटेड रहने के लिए सब्सक्राइब करें श्रेष्ठ भारत को।